बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आबिदरी घोटो, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो, आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर जिस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे वो ये है कि इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सारी चीज़ें उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारा नेक्स्ट जो है वो लेक्चर किस बारे में है और उसमें क्या क्या चीज़ें जो हम करने जा रहे हैं। तो एज ए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हमारे ऊपर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमारा स्कोप क्या है और उसके अलावा जो है वो हम क्या सारी चीज़ें जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमारे जो स्टूडेंट मतलब होते हैं या हमारे प्रोफेशनल जो होते हैं, ये बहुत सारे हमारे जो है वो जहनों में सवालात होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो एक जनरल टॉपिक मैंने लिया है जिसमें जो है वो इन तीन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे, जिसमें बात करने के लिए जो है वो डिफरेंट कंट्रीज से जो है वो मैंने गेस्ट जो है वो उनको इनवाइट किया है, वो हमारे सारे सवालात के जो है वो जवाब देंगे। जिसमें हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के स्कोप के ऊपर होगा, सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो सर्टिफिकेशन के ऊपर होगा कि दुनिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर इसकी सर्टिफिकेशन कैसे होती है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की, और इसके अलावा है हायर स्टडीज़। हायर स्टडीज़ में हमारी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान में हायर स्टडीज़ या इन फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर किस तरह सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो वो डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को जो है वो मैं गेस्ट जो हमारे हैं उनका तारुफ जो है वो करवा देता हूँ। हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर चोंग ली वॉन, जिनकी प्रेजेंट पोजीशन है ये कंसल्टेंट हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट फैकल्टी ऑफ मेडिसिन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड फार्मेसी एट हो चाई मिन सिटी वियतनाम से, और इन्होंने PhD की हुई है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में माहिरोल यूनिवर्सिटी थाईलैंड से। ये डिप्टी डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल सेंटर फॉर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हैं। उनके साथ जो है वो डॉक्टर अब्दुल हफीज़ कांदरो, प्रेजेंट पोजीशन उनकी असिस्टेंट प्रोफेसर एट बहेरिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, इन्होंने भी PhD की हुई है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में एंड ही इज़ अ फर्स्ट MLD PhD होल्डर इन पाकिस्तान। डॉक्टर जुल्फार लेगारी हमारे साथ होंगे, इनकी प्रेजेंट पोजीशन जो है वो प्रोफेसर एंड चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, तो ये भी हमारे जो है वो सारे सवालात के जो है वो जवाब देंगे। उनके साथ जो है वो मोहम्मद अली मलिक, जिनकी प्रेजेंट पोजीशन सीनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं ये शेख जायद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रहीमिया खान में, और ये सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि MLT के राइट्स के ऊपर पाकिस्तान में जो है वो काम कर रही है, और ये इनकी सारी क्वालिफिकेशंस हैं। अब ये बात मतलब जहन में आ रही है कि ये सेशन किस तरह होगा, हम मतलब के इनसे सवालात किस तरह कर सकते हैं, तो वो अब डिस्कस आप लोगों के साथ मैं कर लेता हूँ कि आप लोग जो है वो किस तरह इनसे सवालात कर सकते हैं। मोस्टली अब COVID-19 के हिसाब से सारे जो मतलब एक सेशंस हो रहे हैं वो सारे ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं, तो उसमें मोस्टली अब ये हो रहा है कि ऑनलाइन सेशंस में स्ट्रीमिंग का इशू होता है, काफ़ी एप्लीकेशंस का इशू होता है, इतने लोग हमें फिर ज्वाइन नहीं कर पाते, तो इसीलिए जो है वो ये ऑफलाइन हमने जो है वो सेशन का सेटअप बनाया है। उसमें यह है कि इस वीडियो के ऊपर जो है वो इन तीन पॉइंट्स के ऊपर, जो हमारे ये तीन पॉइंट्स हैं इसके ऊपर जो है वो आप लोग जो है वो सारे सवालात करेंगे कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का पूरे जो है वो पाकिस्तान के अंदर या फॉरेन कंट्रीज के अंदर पूरी दुनिया वर्ल्ड में जो है वो किस तरह स्कोप है, क्या सारी चीज़ें हैं, और उसके अलावा सर्टिफिकेशन हायर स्टडीज़ हो गई मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में जो हमारे गेस्ट हैं इनसे आप लोग जो है वो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर हम किस तरह जो है वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इवन स्कॉलरशिप के लिए हम किस तरह जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का जो है वो स्कोप जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर क्या है, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो कितनी डिमांड है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज़ की, हम जो है हमें प्राइवेट प्रैक्टिस यानी कि लैब जो है वो अलाउ है या नहीं है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, इसका क्या एक क्राइटेरिया है, आफ्टर ग्रेजुएशन हमारी सर्टिफिकेशन का क्या सारा सिस्टम होता है, कोर्स हो गया MLT का, तो ये सारे जो भी हमारे गेस्ट हैं तो इंशाल्लाह ये सारे हमारे सवालात के जो है वो आंसर्स जो है वो देंगे, जिसमें कुछ कॉमन मतलब के क्वेश्चंस जो है वो आप लोग इनसे भी कर सकते हैं, स्पेशल क्वेश्चंस मतलब सारे जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ के हिसाब से या स्टडी के हिसाब से आप सब जो है वो इनसे कर सकते हैं। होप कि आपको सारी वीडियोज़ जो है वो मौसूल हो रही होंगी। अगर आपने जो है वो
अपना यूट्यूब चैनल जो है वो मेरा सब्सक्राइब किया हुआ है आबिद रज़ा MLT के नाम से। यूट्यूब में जाकर सर्च करें, अगर अभी तक आपने जो है वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आबिद रज़ा MLT के नाम से जो है वो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने के बाद कमेंट्स जो है वो हमें लाजमी करें ताकि हमें पता लगे कि आप कौन से प्रोसीजर जो है वो चाहते हैं कि इन फ्यूचर जो है वो मैं लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, और डिफरेंट जो है वो टेस्ट के जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वक्तन फवक्तन मैं शेयर करता रहूँगा। तो ये कमेंट्स के थ्रू आप जो है वो लाजमी हमें बताते रहें ताकि हमारी भी जो है वो हौसला अफज़ाई होती रहे। थैंक यू।